प्रदेश पुलिस भर्ती की ये जो 35,000 सीट है, अभी ये जो वैकेंसी आने वाली है, आप लोग जब से ये नोटिफिकेशन के बारे में सुने होंगे तो एक खलबली मची होगी कि कौन सी किताब पढ़े। सबसे बड़ी बात है कि आप जितनी अच्छी किताब का चयन करेंगे उतना आराम से सिलेक्शन होगा, क्योंकि 18 लाख 20 लाख पढ़ाई तो लगभग सब करेंगे। देखिए, स्पष्ट तरीके से आपसे एक बात बोलेंगे, लाइफ के पहले एग्जाम में जैसे 250 प्लस नंबर या 1600 रैंक 18 लाख लोगों में आराम से बिना कोचिंग बिना क्लास के हम किए हैं, तो नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं कि किताबों का कितना बड़ा योगदान है। अब ये आप यूट्यूब के भौकाल की तरफ मजाक में लेंगे तो इसका मतलब कन्फर्म है कि आपको सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। किताबों के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदी की। अब देखिए, तैयारी करने वाले जितने स्टूडेंट हैं लगभग 60% या 70% कह लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन और लुसेंट, जो हिंदी की बात हम कर रहे हैं, इन दो किताबों की तरफ भागते हैं। हम ये आपको पूरे दावे के साथ कह रहे हैं, अगर ये आप राजपाल की हिंदी या परीक्षा वाणी की हिंदी, इन दोनों किताबों को सिर्फ एक बार देखेंगे और उनसे कंपेयर करेंगे तो लेवल जो बहुत अलग है। जहां आप लुसेंट को और ये जो है आपकी आदित्य की, जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इनका अगर लेवल 60 का है तो जो हम आपको राजपाल और ये परीक्षा वाणी बता रहे हैं वो आपको 80-85 तक ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है 37 में आप 32 से 34 एकदम नॉर्मल तरीके से स्कोर कर सकते हैं, अगर आप राजपाल की हिंदी या परीक्षा वाणी की पढ़ते हैं, दोनों पढ़ेंगे तो और बेटर है। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब देखिए, रीजनिंग की स्थिति क्या है, जितने भी ऑफिशियल चैनल आ रहे हैं, जो बड़े बड़े एजुकेशन चैनल है, कोई भी चैनल नहीं कहता कि आप किसी और पब्लिकेशन को पढ़िए, हर चैनल बोलता है कि आप हमारे पब्लिकेशन को पढ़िए। इसका रीजन क्या है, उनको भाई अपनी किताबों को जो है मार्केट में बेचना है। मगर सबसे बड़ी बात यह है, आप खुद से सोच सकते हैं, कोई भी चैनल अपना जो है ना पूरा का पूरा कंटेंट लेकर के नहीं आता, वो पुराने किताबों से चुराता है। मास्टर की जो रीजनिंग है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इतने अधिक मात्रा में और इतने स्पष्ट तरीके से हैं। जैसे आप देखेंगे किसी पब्लिकेशन को, तो ज्यादातर पब्लिकेशन क्या है कि नॉन वर्बल या वर्बल में से कोई एक ही कंटेंट लेकर के आते हैं। ये जो मास्टर की रीजनिंग है, अगर आप कंप्लीट कर ले गए तो यकीन मानिए, पूरे भरोसे के साथ हम कह सकते हैं 55 यदि आपके कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप 48 से लेकर के 52 तक सिर्फ इस किताब को कंप्लीट करके स्कोर करेंगे। अब देखिए, आपको क्या है कि तमाम चैनलों से किताबें देखते देखते बराबर कंफ्यूजन रहता होगा कि कौन से किसकी बात हम माने, यूट्यूब का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि सही तरीके से बता रहा है। हम आपसे कह रहे हैं, आप किताब मत खरीदिएगा, एक बार देखिएगा जरूर और कंपेयर करिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम कोई भी फार्म नहीं भरे थे, अपने पहले फार्म में 18 लाख लोगों में 1600 रैंक किए हैं, बिना कोचिंग के, सिर्फ इन किताबों के बल पर। इन किताबों का मतलब आप समझ सकते हैं यदि आप बढ़िया से तैयारी करने वाले होंगे। मास्टर की रीजनिंग जरूर मंगाइएगा। पीयूष सर की जो रीजनिंग है, देखिए यह भी काफी परफेक्ट है, बस अंतर क्या है कि इसकी जो लेखन शैली है ना, हर व्यक्ति को पसंद नहीं आ सकता। इस नजरिए से जो है आपकी मास्टर रीजनिंग हर तरीके से परिपूर्ण है। अब बात करते हैं चौथा पार्ट जो मैथ का है, तीसरा पार्ट जो मैथ का है। देखिए क्या है कि राकेश यादव सर की जो मैथ है उसको सब लोग मानते हैं कि बेस्ट बुक है, मगर वो काफी लेंदी है हर स्टूडेंट के लिए और खास करके कांस्टेबल के लिए। उसको पढ़ना ना पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो आज के समय में जो है मारूफ सर की, ये जो क्लाइमेक्स एकेडमी वाले हैं, उनकी जो मैथ आई है ना, जानते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस किताब की, इसमें 3 प्रकार से 4 प्रकार से 5 प्रकार से कई प्रकार से एक एक सवाल को लगाया गया है। और इसकी जो अरिथमेटिक है, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो कि छूटेगा। आपकी जो मारूफ सर की मैथ है, प्लस साथ में आप ले लीजिए नवीन की जो अग्रवाल वाली मैथ है, बड़ी वाली किताब, ये दोनों किताबें आप देख चुके होंगे, दोनों ही काफी परफेक्ट हैं। अगर इन दोनों को आप पढ़ते हैं, पुलिस कांस्टेबल में आप 20 अगर मैथ आता है तो लगभग पूरा का पूरा करेंगे, साथ में रेलवे से लेकर के कोई भी एग्जाम जिनमें मैथ आता। बात करते हैं हम जीके की, जो चौथा भाग जीके है, इसको कैसे पढ़े। देखिए, अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं, बाय चांस हो सकता है आप लुसेंट पढ़ रहे हैं, तो लुसेंट अपने जगह परफेक्ट है।
अब उसके साथ आप करंट अफेयर्स में चाहे एडिटोरियल ले लीजिए या दृष्टि हो, प्रतियोगिता दर्पण, कोई भी हो, करंट अफेयर्स जो आपको अच्छा लगे। लुसेंट के साथ अगर एक करंट अफेयर्स ले लेते हैं तो आपका जो है ग्रुप डी हो या आरपीएफ जो भी रेलवे के एग्जाम है प्लस यूपी पुलिस का, पूरे तरीके से आप बढ़िया स्कोर देंगे। अगर मान लीजिए आपको लुसेंट पसंद न हो, ऐसा हो कि आप लुसेंट से भागे, तब जाकर के आप उससे भी काफी बेहतर किताब परीक्षा वाणी सबसे बेस्ट है। साथ में आप घटना चक्र को शामिल कर लेते हैं, इन दोनों में से आप देख लीजिएगा जैसे पॉइंटर है या जो भी हो, अगर आपको जो पसंद आती है उसको पढ़िए, चाहे घटना चक्र या आप ले लीजिए परीक्षा वाणी की। और हाँ, यूपी जी के परीक्षा वाणी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम में कम से कम 4 से 5 प्रश्न यूपी जी के से आने ही आने हैं। आप हर हाल में परीक्षा वाणी यूपी जी के पढ़िएगा। ये किताबें नहीं, आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करिएगा, जो भी किताब किसी भी चैनल का देखिएगा, इन किताबों से कंपेयर कर लीजिएगा, आप खुद सक्षम है कि कौन किताब परफेक्ट है, आप अपने आप छांट सकते हैं।